شہادت اور دفن کی تاریخ سے زیادہ
मुसीबत बन जाए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से आशूरा के बाद ग्यारहवीं मुहर्रम की मुसीबत आम तरीके से दर्क नहीं की जाती है, उसी तरीके से तीन जमाते उस्तानिया के बाद चौथी और पांचवी जमाते की मुसीबत को बहुत ही हल्के में लिया जाता है, क्योंकि ये मुसीबत उस शहादत की मुसीबत से ज्यादा सकती है। हमेशा फातिमिया का जो नारा दिया था वो फातिमी बसीरतें और फातिमियों यानी सिद्दीकीन तायरा से मोहब्बत रखने वालों के लिए बसीरत कितनी जरूरी है, ये साल का नारा था फातिमी बसीरत और फातिमियों को बसीरत की जरूरत है। ये इस साल का हमारा फातिमिया का नारा था। तकरीबन जहां भी मैं गया किसी को मौजूद है अलग अलग तरीके से आपके सामने मौजूद के सामने मेरी गुफ्तगू की है, यहाँ भी वक्त के अंदर जितना मुमकिन होगा वो बात आपके सामने पेश की। दरअसल ये बहस चंद सवाल ये जवाब है। अगर सवाल समझ में आ जाए तो जवाब की जस्तजू खुद ब खुद होती है। सही से सवाल समझना ही जवाब तक पहुंचने का रास्ता है। रवायतें कहती है कि सवाल इल्म की कुंजी है, इल्म की चाबी है। अस्वाल मिफ्ताह हो इल्म, सही अंदाज से अगर सवाल हो जाए तो फिर वो इल्म के दरवाजे खोल देते। सबसे पहला सवाल ये है कि बसीरत कहते किसे हैं, और ये सबसे पहला बसीरत का मतलब क्या है। दूसरी बात यह है कि बसीरत की जरूरत क्या है, वो कौन से हालात है जिनमें बसीरत काम आती है। जब बसीरत काम आती है किसी खास मौके पर तो ये बसीरत उस वक्त हासिल की जाए जब वो हालात पैदा हो जाए, यानी पहले से बसीरत होनी चाहिए ताकि हालात पैदा हों तो उन हालात का मुकाबला बसीरत के जरिए से किया जाए। तीन सवाल तो बचे हैं, वो कौन से हालात है कि जिनमें बसीरत की जरूरत पड़ती है। सिद्दीकीन तायरा के जमाने में वो हालात कौन से थे जिनकी बुनियाद पर बीबी को बसीरत आफरीने की जरूरत पड़ी, बसीरत की जांच करने की जरूरत पड़ी। ये सारी चीजें तो बीबी से मुताबिक है। अब जो मसला आता है तो जो हालात सिद्दीकीन कुबरा के जमाने में थे वो हालात हमारे जमाने में है या नहीं। अगर वो हालात सिद्दीकीन ताहिरा के जमाने में थे और हमारे जमाने में नहीं है तो मैं मालूम ऐसे देता जो बात गुजर चुकी जिसका दफ्तर बंद हो चुका उसको छेड़ने से फायदा क्या। वक्त बेसबब बातों में अपने वक्त फायदे नहीं। तो अगर वो हालात है तो हम देखना होगा आपके हालात क्या थे और इस वक्त वो हालात है या नहीं। तो वो हालात थे तो जो
बसीरत पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है तो ठीक है, ये उर्दू आगे बढ़ेगी। और नहीं वो तो बीबी का काम था, उन्होंने कर दिया, हमसे कोई ताल्लुक नहीं। फिर मैंने भी कहा कि छह महीने का जो चीज हमसे मरबूत नहीं है, इसलिए किताब तो है लेकिन किताब के साथ नूर नहीं है।
जिन दीन के नाम पर होती है, तो इसलिए कि जो लिखा हुआ है वो सुनाई नहीं देना है। हमारे पास तो लोग है ना, जिसके पास है ना उसके पास नूर, तो फिर हम लोग कुरान। हमारे पास तो अहले बैत नूर है यार, हम जो गुमराह है, हमारी मुश्किल ये है कि हमने नूर को रख लिया आंखों पर। हमारी मुश्किल ये है कि हमने नूर को लगा लिया सीने से। हमारी मुश्किल ये है कि हमने नूर को रख लिया सर पर। इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। सर पर भी रखो एहतराम है, आंखों से भी लगाओ एहतराम है, लबों से भी चूमो एहतराम है, सीने से भी सजाओ एहतराम है। ये सब अपनी जगह पर नूर असर दिखाएगा, लेकिन नूर का असली कमाल ये है कि जिस चीज के लिए दिया गया है उसको फॉलो करके आगे बढ़ो। सारी उसमें जाएगी
नहीं जाएंगे तो घर मेरे पास पता चलेगा, इससे शांति चली जाएगी, जान बची रहेगी, लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा, आंखों पर भला मालूम नहीं होगा, क्योंकि इतने तानाशाह भी हो, बचा लेगी जान ये यकीन है, लेकिन फिर भी ये नहीं बैठने जाएगा किसी का रूप में, जो इसलिए कि ये देखने में भला मालूम नहीं होगा। और वहां पैसे से कलाई पैसे से खरीद के लाया है और उसमें जो है वो ठंडक गुबर मिला ऐसे तो ठंडक में, लेकिन पहने का कोई जो इसलिए कि असीर है रंगोलवाब का, अदा कर दिया है और इसको छोड़िए भागा जाता है अवदान की तरह, इसमें है क्या, इसमें है क्या, इसमें जो पैसा लिया जाता है ऐसे उसका सबक है, बकिया इसमें कुछ भी नहीं होता है, यकीन ना आए तो इसको रात में पानी में डाल के प्लेट डाल दीजिए, जब टुकड़े टुकड़े हो जाए तब समझ में आएगा, जब रात में
دل کے حقیقتوں تک پہنچنا اس کا نام ہے بصیرت. یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ پیدا ہوتی ہے دو کاموں کو کرنا ہوگا. کام میں پہلا کام والذین جاہدوا, وہ لوگ کہ جو مجاہدت کرتے رہتے ہیں, وہ لوگ جو جہاد کرتے رہتے ہیں. یہی مسئلہ جہاد ہے. یہ بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے چاہے ادھر کی ٹولی ہو چاہے ادھر کی ٹولی ہو, چاہے لوگ جہاد کہنے والے ہو چاہے جہاد کے نام پر خون خرابہ کرنے والے, یہ سب بصیرت کی کمی کی بنیاد پر. والذین جاہدوا فینا, اصل قرآن مجید میں عمومی طور پر جہاد کی جنگ معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا, جبکہ 600 آئے تھے جہاد کے متعلق, کم سے کم کم ہو گئے 600 آئے تھے. کیوں نہیں ہوا میں تو پورا مسلسل چل رہا ہے آج کی اسلامیت اسلام کا دفاعی مرکز پر یہ پوری بحث ہے. مکے میں جہاد کی بحث ہے, جہاد کرو مکے میں کون سی تلوار چلی. قرآن کہہ رہا مکے کی آیتوں میں جہاد کرو نبی کچھ بات ہوئے تو کون سا جہاد ہے, یہ کون سا جہاد ہے جو ایک بار تلوار میں چلی. جہاد قتل و غارت گری کا نام نہیں ہے. جہاد مسلسل اس کوشش کا نام ہے کہ میدان باطل کے ہاتھ میں آنے نہ پائے. میدان ظالم کے ہاتھوں میں آنے نہ پائے. علمی اور عملی دونوں میدان میں تم میدان کو سنبھالو. جہاں دنیا میں نام آئے علم کا وہاں تمہارا نام آئے. جہاں میدان میں جب تک آپ عمل ہونے کی گفتگو ہو وہاں تمہارا نام آئے. پھر سارے مذہب کے نام پر دھوکہ دینے والے برباد ہو جائیں گے. جب تم علم و عمل کے میدان میں اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈینری فوق العادہ بنا لو گے تو ہر ایک کو جب ضرورت پڑے گی تو یہی کہے گا یہ کام کر سکتا ہے تو فلاں الگ ہی کر سکتا ہے.
इसी जहादी को कुरान ने दूसरा नाम दिया तखवे का। तखवे के माने क्या है ना? Oh!
सीधा रास्ता जा रहा है, इस सीधा रास्ता बिल्कुल मकसद कर रहा है, इसमें किसी को मसीहत की जरूरत है। सीधा सीधा रास्ता अंदर भी होगा नाबाना भी होगा तो वो भी निकल जाएगा, तो सीधा होगा जहाँ तो रहा हो, जहाँ से रहा हो, जहाँ चौर रहा हो, यहाँ पर क्या होता है, हर एक कहता है हम आपका दूसरा काफी मेरी तरफ आ गया, उसके पास कुछ भी नहीं है। मेरे लिए यहाँ पर आदमी कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज होता है, और जब कंफ्यूज होता है तो समझ में नहीं आता है, शब्द का मुबला हो जाता है, समझ में नहीं आता, जब समझ में नहीं आता है तो खराब हो जाती है। यहाँ पर बसीरत काम अंदर दो दरवाजे होता है, ताकि
تاکہ اگر اس کے دل کے اوپر کوئی زہر وغیرہ ڈال کے حملہ کرے تو یہ نہ سمجھے کہ چوہا مر جائے گا, وہ دوسری طرف سے نکل جائے گا. اسی دو بنے ہوئے دروازے کو عربی میں کہتے ہیں نافتہ, عرب میں سعودی عرب وغیرہ میں جاتا تو سورنگ کو کہتے ہیں نافتہ. کیوں؟ اس لیے اس حصے سے دیتی ہے سورنگ کا کیا ہوتا ہے, یہاں سے جاتی ہے وہاں سے جاتی ہے. چوہے کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دو راستے رکھتا ہے, جب تک معاملہ صحیح رہتا ہے اپنے میں دروازے سے نکلتا ہے جو نکلتے کرا دیتا ہے, جہاں پھنستا ہے دوسرا راستہ. منافق کو منافق کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ ہمیشہ دو راستے رکھتا ہے. ہمیشہ دو راستے رکھتا ہے, جو کہے گا آپ نے دیکھا کہ یہ خلاف حق ہے آپ بولے وہ فوراً تعمیر. ہم تو یہ کہہ رہے تھے, ہمارا تو یہ مطلب تھا, ہم تو یہ ہم نہیں کہہ رہے سب باتیں جو آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں. قرآن پڑھیں گے, سورہ جمعہ پڑھیں گے, سورہ جمعہ کے بعد جمعہ میں کیا پڑھا جاتا ہے, سورہ منافق بتا تو مجھے سنا دیتا ہے. لیکن مستحب ہے کیا تو پہلی آئے پڑھیے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء المنافقون قالوا انك لرسول الله, انہیں کہتے ہیں نا اے نبی جب منافقین آتے ہیں تو قالوا نشهد, ہم گواہی دیتے ہیں بالکل یقین ہے تم گواہی ہے تو کوئی آپ کے بنا پہلے طبق نہیں ہے گواہی کے قوانین کیا ہے, گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول تو غلط کو گواہی دیتے ہیں. سچی بات ہے, یہ خدا بھی کہتا ہے والله يا ربي انك رسول, ہاں ہاں اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. تو اب کیا مشکل ہے, والله يشهد ان المنافقين لكاذبون, اللہ اب گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں. اللہ کیسے جھوٹے ہوں گے, سچی سچی باتیں کہہ رہے ہیں. اس سچ کی تعریف آپ کیا ہے, اب سچ کیسے دیکھو. میں نے کہا وہ پانچ لڑکا جو ہے وہ بیٹا کھیل رہا ہے, آپ نے پلٹ کے دیکھا کہ جو لڑکا کھیل رہا ہے وہ گلا چلا رہا ہے, آپ نے ماں بہن سب نے کہا ان سے بولو بصیرت ایجاد کر رہی ہوں. چار اسباب ہیں,
ان چار ازمات کو آپ دیکھیے کہ ہمارے زمانے میں ہے یا نہیں ہے. پھر فیصلہ کیجیے گا صدیقہ کا طریقہ کار ضروری ہے کہ نہیں ہے. چار ازمات خواتین بیگمات صحابہ کرام کی آئی نبی کی بیٹی یہ کیا حالت ہو گئی ہے؟ آپ تو بالکل حلامت نہیں بچی ہے. میں نے اس عالم میں شروع کی ہے کہ مجھے تمہاری دنیا سے نفرت ہے اور تمہارے مردوں سے مجھے بیزاری ہے. کیا سب نے دیدی فقم عن لفلوب للحق. پہلا سبب عقیدے کی کمزوری. ہمارے عقیدے کمزوری ہو مذاق لے لیں گے کہ عقیدہ ہمارا بہت پکا ہے. یہ سب دھوکا دے تو نہیں باتیں. یہ جتنی گمراہیاں ہیں یہ سب عقیدے کی کمزوری کا نتیجہ ہے. عقیدہ کسی چیز کا نام نہیں ہے کہ یہ الگ سے ہو عمل کچھ اور ہو. عقیدہ انڈیکیشن کرتا ہے عمل کے لیے. گمراہی بتاتی ہے کہ عقیدہ کمزور ہے. صدیقہ برا ہو تلواروں کی دھاروں کا کند ہو جانا. کس چیز نے ان اہلوں کو ظالموں کو جن کو تابوت کو ہمت دی کہ یہ بیٹھے وہی پر حملہ کر دے تمہارے عقیدے کی کمزوری. دوسرا سبب دنیا پرستی. ہواؤں ہوس کی پیروی. اللہ پہ بادل جد. جس چیز کو تم بڑی سنجیدگی سے لے کے چل رہے تھے زہد کو اس کو کھلواڑ میں تبدیل کر دیا. کھیل کھلونے میں تبدیل کر دیا اور آرام طلبی میں چلے گئے. ان چیزوں کے تفصیل کا بات نہیں ہے وقت کا کافی. تیسری چیز بے سبب چیزوں کو موضوع بحث بنانا. جو چیزیں موضوع کے لائق نہیں ہیں انہیں موضوع بنا لینا اور اسی کی رٹ لگا لینا اور جو چیزیں اہم ہوں ان کو چھوڑ دینا. صدیقہ طاہر کا برا ہو بے سبب پتھروں کو کوٹنے کا. ایک پتھر کو کاٹ رہے ہیں سیدھا چھا کر رہے دیوار بنانی ہے بدھیر کر رہے اوپر سونے کی سنا کی ہبوری کر رہے تھے جھٹو جھٹو کر رہے ہیں. اس سے پتھر کو اثر پڑے گا؟ کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ کی طاقت ضائع ہوگی محبت حد ہوگا. صدیقہ طاہرہ بنا رہی ہے کہ بے سبب چیزوں کو موضوع بنانا. جو چیز موضوع تھی نہیں اسے موضوع بنا دیا. اصل موضوع کا غدیر اس کو پس پل ڈال دیا. بے سبب لاوارث حدیث تھی لامورث اس کو لے کے مست میں آ گئے. تو یہ کام پرانا ہے یا آج کے نہیں ہے؟ سب سے زیادہ لغت لکھی گئی بنی عباس کے بارے میں ہارون معلوم کے زمانے میں. دائنا دروازہ کھولا جائے تو اس کی عربی کیا ہے اور بایا دروازہ کھولا جائے تو اس کی عربی کیا ہے اور اونٹ کھڑا ہو کے بیٹھے تو اس کی عربی کیا ہے اور بیٹھ کے کھڑا ہو تو اس کی عربی کیا ہے اور اونٹ خوشی میں گنگنانے لگے تو اس کی عربی کیا ہے؟ ارے چیز تو بڑی اس پہ کمیونٹی بنی لجنے علمی ریسرچ ورک انعام و اکرام. آسمان کی طرف ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا کیوں کرتے ہیں؟ اس سے کوئی مطلب نہیں. کیا اس کا مطلب اللہ اوپر ہے نیچے نہیں ہے؟ بھابھی کہتے ہیں نا یہ جو آٹھ ڈال کہتے ہیں اسے اللہ اوپر نیچے نہیں ہے. اللہ صدر خانے کا رہا ظاہر دیکھتا ہے نہیں دیکھتا. یہاں سو کے اس کی نگاہ جاتی ہے دوسری طرف ہے وہ. یا پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اہم موضوعات ہیں جن کو چھوڑ دیا گیا.
जिन पर बहस नहीं की गई, इन चीजों को किसने संभाला? मासूमी ने। आप देखें जिस जमाने लफ्जों की बारीकियों पर जोर ऐसा ये लफ्ज का वो लफ्ज का ये मतलब उसका वो माना, उस जमाने में आठवें नाम ने कहा तौहीद किसे कहते हैं, तस्वीर किसे कहते हैं, ऊपर हाथ उठाने का मतलब क्या है, अजमत की बुनियाद। ये पूरी बहस आप देखें कलाम की जो आठवें नाम के जमाने में की हो, इसलिए उस जमाने में गैर जरूरी बहसों को छिड़क दिया गया, जरूरी बहसों को किनारे कर दिया गया। ये बातें हुकूमतों का पुराना रवैया है, हम पुराने जमाने से देखते चले आए हैं, इसलिए हमें ताज्जुब नहीं होता। मुल्क में महंगाई है, हमसे कोई मतलब नहीं। किसान जान दे रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं। शरे नमू कम हो जा रही है, हमसे कोई मतलब नहीं। हिंदुस्तान का अजीम जमहूरियत का चेहरा उसके ऊपर दूसरे ममालिक में फिकार पड़ रही है, हमसे कोई मतलब नहीं। इबादत लोगों को मारा जा रहा है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। हम किसी बेगाने को भर देंगे, घर वालों को बेगाना कर देंगे, इसके ऊपर कयामत बची है। काम
बाकी की नकार पड़ी हुई चीजों को परत दर परत खोलना नहीं आने दिया।
तम्मी आगाही या तैयारी, इसमें तीन तरीके इस्तेमाल किए। इसके पहले तरीके में तीन रास्ते इस्तेमाल किए, इमाम शनासी, जमान शनासी, दुश्मन शनासी। इसकी पूरी दलील है कि जिनके कलाम में फकत एक सतर से भी कम का जुमला पड़ता हूं जिसमें तीनों चीजें बिजली के कर देते हैं एक जुमले में, क्योंकि ये माइक मेरा है मौलाना जी, माइक मेरा है। आप तो बोलिए हमारे कलाम में जो होता है पहले वाले, लेकिन ये तो हंसने ही नहीं, लेकिन ये आए पढ़ लेते दूसरे की चीज को। और अगर हम खुदा ना खास्ता मरीज का उठा रहे क्या होगा, कुछ देर भी लोग इतना में छोड़े तो उसके बाद दौड़ा ही नहीं होगा, है ना, दौड़ा नहीं। इसी की मेरे हाथ नहीं है, आपका हाथ है। जिसका हाथ होता है वो ताकतों को वक्त के साथ अपने हाथ का निभा करता है। तब कहें और आप इसे फर्ज कर लीजिए कुछ देर के लिए मेरा है, फर्ज आप ही कर लीजिए काफी देर फर्ज मेरा है, कि अगर मैं इसे लेके चलता हूँ तो ये सब जितने मुझे मेरे घर पर हमला कर देंगे, मेरे घर पर हमला हो जाएगा, मेरे बच्चे मार डाले जाएंगे, मेरा घर जाने जाएंगे, तो मेरा बुला गए छोड़ मैं देखेंगे बच्चों की जान बचाना कमजोर है, इससे कम रहता है ना कुछ। तो या तो अपना हक कमजोरी की बुनियाद पर छोड़ा जाता है, या तो हक न हो और जबरदस्ती लिया जाए तो लोग मुखालफत करते हैं। खिलाफत किसका हक था, बनस्पति बनस्पुरान अली मुर्तदा, और अली मुर्तदा तो मुहावरा के तरह कमजोर छोड़ते हैं, तो जब कमजोर नहीं थे खैबर खंदक जमा है तो फिर छोड़ा क्यों। छोड़ना इस बात की अलामत है उनका हक नहीं था, होता जरूर आगे उनके सामने से लोग कितने पानी होते एक बार ऐसे धक्का करते जो लोगों को सबक पा जाते। हर जमीन के आदेश के पास जब कुत थी तो अपना हक क्यों नहीं लिया, वो भी ऐसा हक तो जिसको न लेने की बुनियाद पर आज तक मुसीबत में दुनिया पड़ी हुई। और यही लोगों को मार जवाब हो गया लोगों का, अगर अली का हक होता तो अली छोड़ते भी लेता है, न लेगा अली का बाजू फैसले न समझी हुए और बाजू जानबूझ के इतना अगर होता तो मौला जरूर लेते। ये वो इतराज है जो आज का नहीं है, इतराज की तारीख बढ़ा दीजिए तो मैंने इतराज है जो आज के नहीं है, है पुराने को नया बनाकर पेश किया जाता है। ये सबसे पहले सवाल अमर इब्ने लुबैर ने जनाब सैयदा से किया, कोहे ओर पर शुमाना है कोहर ये कब पर बैठी हुई थी गिरी और रानी का फिल्म अगर हमको उसके रास्ते पर चलने दिया गया होता तो साबिक अपने लाहिर तक हमको पहुंचाता रहता, पहले वाला अपने बाद वाले तक हमको पहुंचाता रहता, और ऐसी सूरत में दो लोगों को भी खुदा के सिलसिले में इख्तलाफ ना होता, दो इख्तलाफ नहीं होते दोस्तों, इख्तलाफ होता है कम तरीन सब में इख्तलाफ भी ईजाद ना होता। बस दिखाए तायरा के कौन की बुनियाद पर आपको उसके अक्से महरूम किया गया, इसलिए दुनिया में इख्तलाफ है जो समझाते हुए इख्तलाफ हो गया। मेरे बहन जब ये कितना अहम मामला था,
इतना अहम मारका था तो अली ने अपने हक का दफा क्यों ना किया? क्यों ना किया? तुम जवाब एक जुमले में इमाम शनासी, दुश्मन शनासी, जमान शनासी, सब कुछ विभिन्न पेरों पर हो गया। कहते हैं मदतुल मुस्तफा, इसे कहते हैं हकीकतुल मुस्तफा, इसे कहते हैं शिद्दतुल मुस्तफा, इसे कहते हैं रूह मुस्तफा, इसे कहते हैं हकीकत मुस्तफा। एक जुमले अब बीबी ने फकत हमने भी रिवायत का जवाब दे दिया है, हम सबको भी मुजरिम बना दिया है। और सबक बता दिया है कि आज तक हम लोग गैबत के अंधेरे में क्यों हैं। जो मैं कह रहा गैबत तो मिलना ये क्यों है, ये बीबी ने बना दिया, ये बीबी ने बना। जैसे ही हमने अपने दबाव बोला बीबी, क्या सबब था कि अली ने अपने हाथ का दिफा नहीं किया, वैसे ही बीबी ने कहा हमने अपने लगाया। मैंने रसूल खुदा से सुना है कि वो फरमा रहे थे मसाजुल इमाम मसाजुल काबा, इमाम की मिसाल काबे की मिसाल है। काहे में बीबी वजह से सबब बता लिया का खाने कामा के ऊपर तो काली कोशिश है, क्या इमाम वो है जो काली हवा वाले नहीं? सब में शबाहत वजह शबाहत इसको कहते हैं तलब अली की नमाज में। बीबी ने जैसे ही कहा मसाजुल इमाम मसाजुल काबा इस तो अती बाजार तो था, इमाम की मिसाल काबे की मिसाल है। लोग काबे का जाके तवाफ करते हैं, काबा लोगों के घर पर नहीं आता। हाथ के तरफदार थे वो किनारे हो गए, अरे हमसे
सियाह के फक को गरेबान खेत पे हटाना है तो हुसैन का मस्तक दे दो, वरना हुसैन जाएंगे मख्तर में और ये सियाह आएगा कट्टी, और इसकी जिम्मेदार होगी हम परस्त अहम सब कुछ जानने के बावजूद रिश्वत में बिल्कुल अंधा, बसीरत पर बसारत गालिब आ गई थी, लहरा का दरवाजा सुलग रहा था, मुसलमान देख रहा था, जहरा गुली जा रही थी, मुसलमान मासूम कहते मेरी जिद्द मानता शक्ल सो नहीं पाती थी, दीवान से तेल लगा के बैठ के सोती थी राधिक तो मौलाना की आस पर बैठ के सोती थी, मौलाना दर्द भेजा पेशवानी पर हाथ मारा, पेशवानी पर हाथ मारा, कहा जब सोना चाहती थी मैंने करना तो बाजू का परम परेशान करता था, जब चीज सोना चाहती थी तो पहलू में चुभी हुई वो सीने में जो हड्डी चुभ गई थी वो परेशान करती थी, और जब बाई तरफ सोना चाहती थी तो टूटी हुई पसलियां परेशान करती थी, मेरी जगह मानता था तो बैठ के बुला देती थी,
इजाजत लेके क्या करोगे, जिनको इजाजत लेने के लिए उनको दरवाजा घर में दाखिल हो गए, अभी अम्मा दाखिल हुए क्या देखा नन्ही जरा में बुरा है, कभी कभी कबीर अली के मुर्तजा के आंसुओं को बोलती है, कभी हुसैन के आंसुओं को बोलती है, कभी आजम के आंसुओं को बोलती है, कैसे अम्मा करेगा अम्मा छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए,